खत्म तो होएगा ना। ये एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है इधर देख, जो कि जबलपुर से आई है दिखाने के लिए। इसको जीनू वायरस, रिकेट्स में जीनू वायरस डिफॉर्मिटी है और इसको बोल एक्स की प्रॉब्लम है। इसका एक्सरे दिखाऊं आपको, तो एक्सरे इसका ये लगा हुआ है, इसका एक्सरे। ये जो इसकी बोन है जो दरदरी सी हो रही है, इसको बोलिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होती है और इसी को बोलते हैं रिकेट्स बीमारी। रिकेट्स कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। अब ये लोग जबलपुर में किसी डॉक्टर को दिखाया इन्होंने, जरा खड़ा करना बच्ची को, इसको बोल एक्स की प्रॉब्लम है। अगर फ्रॉक ऊपर उठाओ अगर आप इसको देखोगे तो इसकी टांगें टेढ़ी हैं। खड़ा करके अगर मैं दोनों पैर मिलाकर खड़ा करके इसको चेक करूँगा तो इसके घुटनों में लगभग 5 फिंगर का गैप है। और ये जबलपुर में इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, कितने दिन पहले दिखाया डॉक्टर को? 1 सप्ताह। और इसकी उम्र कितनी है? 2 साल 3 महीने। 2 साल 3 महीने की है ये बच्ची। और इन्होंने जबलपुर में किसी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया, सर्जरी के लिए बोल दिया ना आपको। क्या बोला डॉक्टर ने? बोले कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा। फिर आपने कहीं से हमारी वीडियो देखी, ठीक है? फिर आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, ठीक है जी? और मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजी थी जो बच्चे ठीक हो गए, उसको देख के आप कल जबलपुर से आए हो। जबलपुर से ही आए ना, मध्य प्रदेश से? और फिर हमने इनके स्प्लिंट्स बनाए थे, एक कल आए थे दिखाने के लिए, कल हमने इनके स्प्लिंट्स बनाए थे। ये स्प्लिंट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 पॉइंट प्रेशर मरमेट स्प्लिंट्स या फिर नाइट स्प्लिंट्स। इसको बांध के दिखाइए कैसे बांधते हैं। अभी मैंने इनको ये स्प्लिंट बांधना सिखाया है। अगर आप ये चेक करें, स्प्लिंट लगाने से पहले दोनों पैर मिलाऊंगा तो इसमें 3 फिंगर का गैप है। दोनों घुटने सीधे करना, पैर मिलाऊंगा तो ये देखो लगभग चार फिंगर का गैप है। स्प्लिंट लगाने से पहले 4 फिंगर का गैप है दोनों में, ठीक है जी? आप जरा स्प्लिंट्स बांध दिए। जैसा मैंने समझाया था, सबसे पहले घुटना ये कटोरी के बराबर आएगा गोला। वेरी गुड, बांधिए। और इसकी इस बच्ची का हाइट के हिसाब से इसका वेट भी कम है। और इनको मैंने डाइट चार्ट दिया है वजन बढ़ाने के लिए। वेरी गुड, कस के गैप नहीं होने चाहिए एंकल और इसमें, और थोड़ा टाइट होगा, टाइट करो। बस अब ऐसे ही दूसरा बंद। जैसे कि आपने देखा था लेटे हुए दोनों पैर मिला, अगर पैर इसके मिलाऊं तो 4 फिंगर का गैप था दोनों घुटनों में। अब ये स्प्लिंट अप्लाई करने के बाद कितना गैप रह जाता है वो चेक करेंगे। वेरी गुड, अब हमने इसको स्प्लिंट बांध दी है। अब स्प्लिंट लगाने के बाद अगर इसके दोनों पैर मिलाऊंगा, ये दोनों पैर मिला के, एक बार पैर मिला के रखना इसके, ठीक है जी? अगर दोनों पैर मिला के रखते हो तो इसमें देखिए 2 फिंगर का गैप रह गया है, 2 या 2.5 फिंगर का गैप रह गया है। जो 4 फिंगर का था लेट के, वो 2.5 फिंगर का रह गया है। अब ये 3 से 4 महीने तक यही स्प्लिंट अप्लाई करेंगे, रात को सोते समय स्प्लिंट लगाएंगे, ट्रैक्शन खिंचाव लगाएंगे, ठीक है जी? और कुछ सप्लीमेंट्स चलेंगे इनके विटामिन डी कैल्शियम के, जिससे कि 3-4 महीने के बाद ये जब दिखाने के लिए आएंगे हमारे पास, जो 5 फिंगर का गैप खड़े होकर रह गया है, 5 फिंगर का गैप खड़े होकर है, वो 3-4 महीने के बाद 2 फिंगर के आसपास रह जाएगा। मैं डॉक्टर नीरज, डॉक्टर सुभाष शिल्ले मेमोरियल बोन जॉइंट्स केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मोबाइल नंबर
9599807688 9810124443। धन्यवाद। हाँ ये तो लगा दिए, स्पीड लगाना तो आपको सिखा दिया, अब खिंचाव कैसे लगाना, ट्रैक्शन कैसे लगाना, ये बहुत सिंपल सीख है। अब ये इसका पैर में टकना है, ठीक है, टकने से थोड़ा सा ऊपर एक पौधे लेना है, हैंड टॉवल उसको लपेट देना है, ठीक है जी, ये इस तरह लपेट दिया इसको, ठीक है जी। अब ये एंकल होल्डर, एंकल ट्रैक्शन किट आती है जो मैंने आपको नहीं दी है, ठीक है, इसको ऐसे रख के पैर में टाइट कर दिया, फिर इसको डबल टाइट कर दिया। कौन सी किट आती है इसको, क्या ट्रैक्शन किट डबल टाइट कर दीजिए, यहाँ पर रस्सी लटकाकर, रस्सी लगाकर वजन लटकाना है, ठीक है, ऐसे ही दूसरे पैर में जी, फिर ये क्रेम बैंडेज जो मैंने आपको क्रेम बैंडेज दिया है, इस क्रेम बैंडेज को कैसे बांधना है, ये तो बात नहीं करो, दोनों घुटने मोड़ने हैं इसके, बच्चे के दोनों घुटने मोड़ने हैं, ये लगभग दूर है, अभी जाकर बीच में जैसे हो गए दोनों घुटने मिल जाएंगे, ठीक है जी, घुटने मिल गए तो पट्टी के लिए क्या करना है, अरे घुटने से आधा इंच ऊपर जाल पे थोड़ा कस के बांध देना है, अच्छे से बांध देना, ठीक है जी, जान के बांधने के बाद इसका टेढ़ा था नीचे पिंडियों बंदी है, इस यहाँ पर भी इसको इसी के ऊपर बांध देना, ठीक है जी, क्या अब आप चेक करोगे तो जो गैप था इसके घुटनों में वो तो खत्म हो गया, ठीक है जी, गैप खत्म हो गया, मगर गैप तो खत्म हो गया, मगर ये जो घुटने नीचे सटने चाहिए थे ये नीचे नहीं सट रहे, उठ गए, उठ गए, अब ये नीचे सटने चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर आपको 1.5 किलो वजन अटकाना पड़ेगा, एक पैर में 1.5 किलो, क्योंकि इसका वजन 9 किलो है बच्ची का, एक पैर में 1.5 किलो, एक पैर में 1.5 किलो, ठीक है जी, वजन अटकाना जितनी देर लगवा पाए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसा लेना है, रस्सी लेनी है आपको, रस्सी इसकी जरूरत नहीं है, और रस्सी और बिस्तर के कोने में, बिस्तर का कोना और पैर में कम से कम 9 इंच का फर्क रहेगा, यहाँ रहेगी, हाँ बच्ची का पैर यहाँ रहेगी, हाँ कम से कम 9 इंच का फर्क रहेगा, और रस्सी यहाँ नीचे, हाँ नीचे वजन नीचे, 9 इंच का फर्क रहेगा बिस्तर के कोने में और वजन लटकाने में, ऐसा नहीं करना है कि आपने बच्ची को कोने में, ऐसा नहीं करना है, कम से कम बिस्तर के कोने में और बच्ची के पैर में 9 इंच से 1 फीट का डिस्टेंस रहेगा, 1 फीट भी रहेगा चलेगा, चलेगा, और वजन 1.5 किलो लटकाना है, ये दो चीज़ें तो आपको, एक स्प्रिंट लगाना है, एक ट्रैक्शन स्प्रिंट लगाना है, ठीक है जी, समझ गए, धन्यवाद।